चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज के नवोदित दंत चिकित्सक डॉक्टर तबरीज आलम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अल्पायु में उन्होंने स्माइल डेंटल केयर नाम से एक क्लिनिक चलाते हुए स्वयं को सामाजिक कार्यों में लिप्त रखा। उनकी बढ़ती शोहरत ईश्वर को मंजूर नहीं थी, शायद इसीलिए उन्होंने दुर्घटना के बहाने से उनको अपने पास बुला लिया। उनके नजदीकी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पटना जाने के सिलसिले में बेतिया मछली लोकसभा के पास हुई दुर्घटना में डॉक्टर तबरेज को कुरकाल ने असमय समाज से छीन लिया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टर तबरेज अपने पिता भाई मुर्तजा खां के दो पुत्रों में से सबसे बड़े थे। छोटा पुत्र डॉक्टर नौसाद फिजियो चिकित्सक है। डॉक्टर तबरेज अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र और दो पुत्री को अनाथ छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गाँव जमुनिया में किया जाएगा। टीवी न्यूज के लिए मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, नरकटियागंज, बिहार। मझोलिया प्रखंड क्षेत्र के मोहदीपुर मुखिया आशा देवी ने यह जानकारी दी कि पंचायत के वार्ड नंबर 1 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय खैरवा टोला में बाढ़ का पानी घुसने से बच्चों का पठन पाठन बंद हो गया है। वहीं उसी वार्ड के अशोक मिश्रा का खपरेल का घर बारिश के कारण गिर गया है। इसकी सूचना मुखिया आशा देवी ने मझोलिया अंचलाधिकारी को दे दी है तथा वार्ड सदस्य हुसैन अंसारी ने बताया कि मेरे वार्ड में अगर इसी तरह बारिश होती रही तो कई परिवार घर से बेघर हो जाएंगे तथा पूरी खेती बाढ़ के कारण नष्ट हो गई है। इस संदर्भ में नवपदस्थापित अधिकारी जावेद आलम ने बताया कि आवेदन मिलते ही राजस्व कर्मचारी से जांच कराकर आपदा राहत कोष बेतिया भेज दिया जाएगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, मझौलिया, बेतिया। नेपाल की तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से बिहार के तकरीबन एक दर्जन जिला में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इधर रविवार की देर रात्रि कोसी का जलस्राव 3,89,000 को पार कर गया, जिससे इसे सटे जिलों के लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं कोसी बैराज के 56 फाटक को खोल दिया गया और रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मालूम हो कि 2008 में आई कुसहात स्थिति से इस इलाके के लोग ठीक से उभर भी नहीं पाए हैं, जबकि बिहार सरकार के विभागीय मंत्री संजय कुमार झा ने पिछले महीने बीरपुर स्थित कोसकी भवन में बाढ़ पूर्व तैयारी का जायजा लिया और सब कुछ ठीक ठाक होने की बात मीडिया से कही थी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जुबैर अंसारी की रिपोर्ट, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि हर घर स्वच्छ पानी और हर घर स्वच्छ भोजन गरीबों तक पहुंच सके, लेकिन उन्हीं के गृह क्षेत्र नालंदा में उनके अधिकारियों द्वारा उनके सपने पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि बीपीएल अंत्योदय योजना के तहत डोर टू डोर अनाज छोटी वाहनों से जन वितरण प्रणाली तक पहुँचाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी घालमेल किया जा रहा है। जन वितरण प्रणाली के तहत लोगों को दी जाने वाली अनाज काफी बेकार और सड़ी हुई है। यहाँ तक कि जिस अनाज को जानवर भी नहीं खा सके वैसे अनाज को गरीबों के बीच परोसा जा रहा है। जब इस बात की भनक अधिकारी को लगी तो उन्होंने गोलमटोल जवाब देते हुए कहा कि बरसात के कारण बोरी भीग जाने से अनाज खराब हो गया है, इसे किसी को भी वितरित नहीं किया जाएगा, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस सड़ी गली अनाज को भी जन वितरण प्रणाली के दुकान तक पहुंचाया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है। गोदाम में पदस्थापित AGM ने बताया कि गोदाम भी काफी जर्जर है, जिनमें बरसात का पानी गोदाम के अंदर घुस जाता है और अनाज सड़ जाता है, लेकिन हम लोग उस सड़ी हुई अनाज को कहीं नहीं बेचते हैं। जो खाने लायक होता है उसी अनाज को गरीबों के बीच भेजा जाता है। मामला चाहे जो भी हो, गोदाम के अंदर और अनियमितता देखी जा सकती है। दरअसल वो ट्रांसपोर्टर प्रोवाइड करता है अनाज, ठीक है, बारिश का समय है, ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है इसलिए वहाँ पे इशू होता है। बोरा से बदबू भी आ रहा था? नहीं, बदबू तो नहीं आ रहा था, बारिश का समय है, वो चावल है, चावल का बोरा जो है पानी पड़ा था, थोड़ा सा बोरा में ये था और कुछ नहीं था। खाने योग्य था ना? हम बिल्कुल खाने योग्य चावल है। कीड़ा भी था? नहीं, कीड़ा तो नहीं है उसमें। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मिथुन कुमार की रिपोर्ट, नालंदा।